अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और रोज़े भी आपके अच्छे खासे मज़े से गुजर रहे होंगे। तो आज मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ सुबह के टाइम से, और सोचा आज सुबह से ही आप लोग के साथ थोड़ी बहुत अपनी जो मेरी रूटीन है वो शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि मैं अपने बेड का जो हाल है वो ठीक कर दूँ, यानी बेडशीट वगैरह जो है वो चेंज कर दूँ, और जो कवर है ब्लैंकेट का वो भी मैं चेंज कर लूँ। तो उसके बाद आगे देखूँगी कि क्या करना है। आज मैंने जाना है बाहर भी और ग्रोसरी करनी है मैंने थोड़ी सी, तो वो भी करूँगी, और हो सकता है वो आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ क्योंकि हर दफ़ा शेयर करती हूँ। तो बेडशीट वगैरह तो सारा मेरा सेट हो गया है, चेंज हो गया है, और कपड़े भी आज मैंने लॉन्ड्री भी करनी है। कुछ चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जो जो मुझे याद रहा वो शेयर करूँगी, और जो रह जाएगा वो रह जाएगा। अच्छा, ये व्लॉग जो है ना ये कल का है, कल मंडे का, और मैं गई थी उसके बाद बाहर घर के काम, तो वो छोटे मोटे जो थे वो सारे मैंने घर दिए थे जाने से पहले ही, क्योंकि आते हुए आज जाती हूँ बाहर से तो फिर इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं घर के काम भी करूँ, तो इसलिए मैंने वो सारे काम जो है वो करके मैं गई थी। अच्छा, मैं ऑयल लेके आई हूँ, आप यकीन करिए ये छोटा सा बोतल जो है इसमें 1 लीटर ऑयल भी नहीं है, और ये 5 यूरो का मिल रहा है आजकल, पर मजबूरी है और लेना पड़ रहा है रमज़ान की वजह से, वरना हमें ऑयल की इतनी ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन पकोड़े वगैरह बनाने होते हैं तो फिर ज़रूरत होती है। अच्छा, ग्रोसरी भी मैंने कर ली थी और आके सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रख भी ली थी। अच्छा, ग्रोसरी करके सारी चीज़ें अपनी जगह पर रख के फिर मैं आ गई थी, और ऑयल के लिए मैं फिर ख्वार हो रही थी कि कहीं से मुझे ऑयल मिल जाए। मैं गई हूँ टर्किश स्टोर के पास, उन्होंने कहा था कि आज ऑयल जैसे कंटेनर हमारा आएगा, लेकिन वो पता नहीं लेट हो गया, जो भी था बाकी सामान आ गया था, ऑयल नहीं आया। और फिर मैं नेटो चली गई, वहाँ से मैंने एक बोतल उठा लिया और मैंने कहा चलो कुछ दिन तो काम चल ही जाएगा। घर आते हुए फिर मैं रियान को भी ले आई थी साथ, और उसको मैंने थोड़े से फ्रूट काट के दे दिए ताकि वो थोड़ा सा बिज़ी रहे और कुछ खाए पिए भी। तो इतने में फिर ये देखिए निदा ने ऑर्डर करवाया था अपने भाई से, या चूँकि पाकिस्तान में सारे फ़ैन होते हैं क्रिकेट के, तो यहाँ यूरोप में फ़ुटबॉल चलता है, सारे लोग छोटे बड़े सारे जो होते हैं वो फ़ुटबॉल के फ़ैन होते हैं, और इसी तरह के शर्ट्स उनको बहुत अच्छे लगते हैं पहनना। तो निदा भी आजकल क्रेज़ी हुई है फ़ुटबॉल के पीछे और इन शर्टों के पीछे जो बार्सिलोना का है, इस पर कुछ लिखा भी हुआ है, पता नहीं FC पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसमें। तो उसको ये नौ नंबर खिलाड़ी है उसका ये शर्ट है, और उसको बहुत ज़्यादा जैसे शौक था इसको पहनने का लेने का, तो अपने भाई से उसने, मुझे पता भी नहीं था, और अपने भाई से उसने ऑर्डर करवा लिया। पर खैर है, बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं जो हम पूरी कर सकते हैं तो क्यों ना करें। और मौसम भी देखिए हमारा, तो इतना सर्दी हुई है ना, इतनी जैसे लगता है विंटर वापस हो गया है, और स्नो भी कभी कभी हो जाता है, तो सर्दी है कि जा नहीं रही। और रमज़ान में सर्दी हो तो कुछ अजीब, गर्मी भी नहीं अच्छी लगती पर सर्दी भी नहीं अच्छी लगती। अच्छा, यहाँ की जो सर्दी होती है ना, ये अप्रैल और मई की जो सर्दी होती है वो बहुत ज़्यादा बुरी होती है। इस तरह लगता है ना जैसे आपके जो बॉन्स है ना उसमें जा रही हो, इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छा, ये अफ्तारी से पहले का टाइम है और निदा भी लगी हुई थी अपनी मर्ज़ी से, जो वो कर रही थी तो वो कर रही थी, और मैं कुछ तलने वाले काम कर रही थी। तो ये ब्रेड पकौड़ा आज मैं बना रही थी कि चलो आज ये खा लेंगे साथ में, और खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, रोटी का चावल का कुछ भी नहीं, जैसे भूख नहीं थी। और निदा स्ट्रॉबेरीज लेके आई थी, तो निदा कह रही थी मैंने वो चॉकलेटी वाली स्ट्रॉबेरीज बनानी है, मैंने कहा जो भी मर्ज़ी है बना लो, मैंने नहीं खाने, आपने खाने, मैं अपने लिए पकौड़ा ब्रेड बना रही हूँ। तो फिर मैं लेके आई थी पफ पेस्ट्री का जो तैयार वो शीट सा मिलता है ना, वो भी मैं लेके आई थी ग्रोसरी में, उसने वो भी फ्रिज में देख लिया। तो ये देखिए उसने ये भी जल्दी से, ये तो खैर इतनी जल्दी होता है, इसमें आप चीज़ वगैरह रखे ना जो भी आपकी मर्ज़ी हो उसमें रख ले, तो वो 10 मिनट के लिए बेकिंग ओवन में रख दे और ये हो जाता है। तो उसने अपनी मर्ज़ी की दो चीज़ें बना ली और मैंने अपनी मर्ज़ी के ब्रेड पकौड़ा बना लिए। तो ये हो गई थी हमारी अफ्तारी, बिल्कुल सिंपल सी, जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर की, और इसको करेंगे हम लोग इंजॉय। आप लोगों से लूँगी इजाज़त, इजाज़त से पहले प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये बात मुझे शुरू में करनी चाहिए होती है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आप लोगों को तंग करूँ।
अच्छा जी, जाने से पहले मुझे एक बात याद आ गई, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इंस्टा पे और मैसेजेस आते हैं और कमेंट्स आते हैं चैनल पे कि आप अपने घर का टूर दें, तो इंशाल्लाह याद रहा तो बहुत ही जल्द दूंगी और दिखाऊंगी। वैसे भी आप लोग देख चुके हो लेकिन दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ओके जी, इसके साथ लेती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।